हाय फ्रेंड्स, मैं अजय तोमर और ये है फोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 16। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का यूज फोटोशॉप में इमेज के इम्परफेक्शन को सेम इमेज के अनदर पार्ट के पिक्सल्स का यूज करके रिपेयर करने के लिए, या इमेज के अनदर पार्ट के पिक्सल्स का यूज करके ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। हीलिंग ब्रश टूल आपको टूल बार में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर राइट क्लिक करने से मिलेगा। यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करके इमेज में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग आपको शो होगी, जिसमें फोटोशॉप आपको सजेस्ट करेगा कि आप एल्ट की प्रेस करके क्लिक करके एक सोर्स पॉइंट क्रिएट करें, जिसका यूज करके आप अपनी इमेज को रिपेयर कर सकते हैं। यहां से मैं इसको ओके कर रहा हूं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में एल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्रश का जो टिप है वो चेंज हो गया है, और जैसे ही मैं यहां पर इस इमेज में क्लिक कर रहा हूं ये यहां से एक सैंपल क्रिएट कर लेगा और हमारे ब्रश के टिप में वो सैंपल यहां पर आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहां पर लेके जा रहा हूं, हमारे ब्रश की टिप में वहां के सैंपल के पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं। अब जैसे मैं यहां पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं वहां के पिक्सल्स को यूज करके ये इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करा रहा है। और जहां से पिक्सल्स का ये सैंपल ले रहा है वहां पर आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सेम इमेज के अनदर पार्ट्स के पिक्सल्स को यूज करके अपनी इमेज को रिपेयर कर सकते हैं, इम्परफेक्शंस को दूर कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके के चेंजेस अपनी इमेज में करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ब्लैंक लेयर क्रिएट कर लें और यहां से आप सैंपल्स को ऑल लेयर सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि जो भी चेंजेस आप अपनी इमेज में करेंगे वो परमानेंटली नहीं होंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैं यहां से एक सोर्स पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रिमूव कर रहा हूं। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं वो हमारे लेयर वन में हुए हैं। जैसे मैं लेयर वन को हाइड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। अब यहां से मैं बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर वहां के पिक्सल्स को इसने पेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी ओरिजिनल इमेज में बिना परमानेंटली चेंज किए अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यहां से मैं लेयर वन को डिलीट कर रहा हूं। हीलिंग ब्रश टूल से रिलेटेड सभी ऑप्शंस आपको यहां पर ऑप्शन टूल बार में मिलेंगे, जिनमें फर्स्ट है हमारा ब्रश ऑप्शन। यहां पर क्लिक करके आप ब्रश के साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग, एंगल या राउंडनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोन सोर्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पैनल्स के अंदर एक क्लोन सोर्स पैनल ओपन हो जाएगा। यहां पर आप इन आइकन पर क्लिक करके मल्टीपल सोर्स सेव कर सकते हैं और उनका यूज करके आप अपनी इमेज को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं फर्स्ट आइकन पर क्लिक करके यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो ये यहां से सैंपल को इसने सेव कर लिया है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करके इमेज में कहीं और क्लिक कर रहा हूं, वहां का सैंपल इसने यहां पर सेव कर लिया है। तो आप इस तरीके से यहां पर मल्टीपल सैंपल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर फर्स्ट है विड्थ एंड हाइट का। इसको समझाने के लिए मैं यहां से एल्ट की प्रेस करके सैंपल ले रहा हूं और ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं यहां पर इस बोट का सैंपल इसने क्रिएट कर लिया है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विड्थ एंड हाइट का। इसको आप यहां से विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हैं।
जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके अप की प्रेस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसकी हाइट एक्सपेंड हो रही है। यहां से मैं इसको फिर से 100 कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइट, यहां से आप सैंपल की हाइट को एक्सपेंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहां से मैं इसको 100 कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा एंगल, यहां से आप एंगल को चेंज कर सकते हैं और इसको किसी भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। इन सभी अमाउंट्स को आप यहां से रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली फ्लिप के ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनका यूज करके आप अपने सैंपल्स को वर्टिकली या हॉरिजेंटली फ्लिप करा सकते हैं। जैसे यहां से आप देख सकते हैं ये सैंपल हमारा इस तरीके से है। अब यहां से मैं इसको हॉरिजेंटली फ्लिप कर रहा हूं, आप देख सकते हैं अभी हमारी बोट का डायरेक्शन चेंज हो गया है और यहां से आप इसको वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। तो इनका यूज करके आप अपने सैंपल्स को वर्टिकली या हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑफसेट का, यहां से आप ऑफसेट की पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम को लॉक करने का और फ्रेम ऑफसेट का, इनका यूज करके आप फ्रेम के ऑफसेट्स को सेट कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शो ओवरले, इसके लिए पहले मैं अपनी इमेज को अंडू कर रहा हूं और यहां से इस बोट का मैं सैंपल ले रहा हूं। यहां से मैं इन कोऑर्डिनेट्स को रीसेट कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं हमारा सोर्स का जो सैंपल है वो अभी हमें बर्स के अंदर दिख रहा है। जैसे ही मैं यहां से सो ओवरले को ऑफ कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर हमें ये ओवरले या सैंपल इस बर्स के अंदर अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर पेंट कर रहा हूं ये पेंट हो रहा है। तो यहां से आप इसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से फिर से सैंपल ले रहा हूं, अब यहां पर ओपेसिटी 100% है। अब यहां से मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ओपेसिटी यहां पर डाउन हो रही है। इसको मैं फिर से 100% कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पर हमें सो ओवरले के कुछ व्यू ऑप्शंस दिए हैं जिनको चेंज करके आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां से मैं डार्कन सेलेक्ट कर रहा हूं, अब आप देख सकते हैं हमारा सैंपल यहां पर हमको डार्कन दिख रहा है। जैसे ही मैं यहां से लाइटन सेलेक्ट करता हूं, अभी हमारा सैंपल यहां पर हमको लाइटन दिख रहा है। इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को चेंज करके अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। यहां से मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर लास्ट में ये तीन ऑप्शंस दिए हैं जिनमें फर्स्ट है क्लिप्ड। जैसे ही मैं क्लिप्ड को अनचेक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर पूरी इमेज आपको शो होगी सैंपल के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही मैं यहां पर पेंट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जहां जहां पर मैंने ब्रश फिराया है ओनली वही सैंपल यहां पर पेस्ट हुआ है, और जैसे मैं यहां पर क्लिप पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं वही सैंपल आपको यहां पर दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटो हाइड, इसका यूज करके आप ऑटोमेटिकली ओवरले को हाइड कर सकते हैं। यहां से मैं अंडू कर रहा हूं। अब यहां पर नेक्स्ट है हमारा इन्वर्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओवरले आपको यहां पर इन्वर्ट शो होगा। यहां से मैं इसको अनचेक कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा पेंटिंग मोड, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको ये ब्लेंडिंग मोड्स के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनको समझने के लिए आप मेरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वाली वीडियो देखकर सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहां पर ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा सोर्स,
सोर्स के अंदर आपको यहां पर दो ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें फर्स्ट है सैंपल और सेकंड है पैटर्न। सैंपल का यूज करके आप अपनी इमेज से पिक्सल्स का सैंपल लेकर अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं, जो कि अभी तक आपने वीडियो में देखा। नेक्स्ट है पैटर्न। जैसे ही मैं यहां पर पैटर्न पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इसके सामने ये पैटर्न का ऑप्शन इनेबल हो गया है। इसके अंदर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, यहां से आप किसी भी पैटर्न को सिलेक्ट करके अपनी इमेज पर पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। और अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं। यहां से मैं अंडू कर रहा हूं और यहां से मैं सैंपल को सिलेक्ट कर रहा हूं। यहां से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइंड। जैसे ही आप यहां पर अलाइन को चेक रख के अपनी इमेज से कोई भी सैंपल क्रिएट करके यहां पर अपनी इमेज को फिक्स करते हैं, तो ये कंटिन्यूटी को लूज नहीं करेगा, चाहे आप यहां पर माउस के बटन को रिलीज कर दें, ये सेम कंटिन्यूटी में यहां पर इमेज को फिक्स करता रहेगा। इसके अपोजिट, यहां से पहले मैं अंडू कर रहा हूं, इसके अपोजिट अगर आप यहां पर अलाइंड को अनचेक करके अपनी इमेज में कोई पिक्सल का सैंपल लेकर यहां पर इमेज को फिक्स करते हैं, तो जैसे ही आप यहां पर माउस का बटन रिलीज करेंगे तो फिर से ये इनिशियल पॉइंट से ही सैंपल को पेस्ट करना स्टार्ट रखेगा। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज करके दोबारा से यहां पर ब्रश को ड्रैग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये इनिशियल पॉइंट से ही पिक्सल्स को ले रहा है। तो आप यहां पर अलाइन का यूज करके कंटिन्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं, या इसको अनचेक करके आप इनिशियल पॉइंट से सैंपल लेकर दोबारा से उन्हीं पिक्सल्स को पेस्ट कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यूज लेगेसी। इसको चेक करके आप लेगेसी हीलिंग ब्रश एल्गोरिथम, जो कि फोटोशॉप सीसी 2014 या इससे पहले वर्जन में था, कि जैसे आप इमेज को फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं इसको चेक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर डिफ्यूजन का जो ऑप्शन था वो यहां पर हाइड हो गया है। सीसी 2014 के बाद का हमारा हीलिंग ब्रश टूल पहले हीलिंग ब्रश टूल से ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप इसको यहां पर अनचेक ही रखें। नेक्स्ट है हमारा सैंपल। इसका यूज करके आप करंट लेयर, करंट एंड बिलो लेयर या ऑल लेयर से सैंपल लेकर अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर से सैंपल नहीं लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैन प्रेशर एंड डिफ्यूजन। इनके बारे में भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की थी उनमें बता चुका हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरी पहली वीडियो देखकर इसे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में फोटोशॉप सीख सकें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।